दोस्तों अभी हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को समझते हैं। यहाँ एक सैंपल कोड है, इन एग्जांपल्स के जरिए हम बेहतर बिटवाइज ऑपरेटर को जानने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। बड़ा बेसिक सा सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो है इस सैंपल कोड में दिख जाएगा। मेन फंक्शन भी है यहाँ पे, मेन फंक्शन के जो करली ब्रैकेट्स है उसके अंदर भाई साहब अपना सारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कह लो, माल मसाला है कह लो, जिसकी मदद से अपन जो है ना बिट वाइज ऑपरेटर इस रेसिपी को तैयार करने वाले हैं, इस रेसिपी को समझने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या खासियत है, ऐसी क्या अलग बात है बिट वाइज ऑपरेटर में जो उसे बाकी उसे अलग बनाती है। तो बड़ा मामला सिंपल सा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो ए बी सी ये तीन वेरिएबल है, 15, 29, 0, ये भैया वैल्यू जो है उनको इनिशियलाइज कर रखी है और यहाँ पे इंटीजर उन तीनों का डेटा टाइप है, करेक्ट। अब यहाँ पे भैया ऐसा क्या खास है बिटवाइज ऑपरेटर में? तो भैया जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, बिटवाइज मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे भी हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं, जो भी ऑपरेशन कह लो, एंड कह लो, और कह लो, एक्सऑर कह लो, बराबर है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना कह लो, लेफ्ट शिफ्ट कह लो, राइट शिफ्ट कह लो, बिटवाइज शिफ्ट कह लो, ये जो सारे ऑपरेशन अपन करने वाले हैं ना, यहाँ पे अपन बिट्स को कंसिडर करने वाले हैं, बिट वाइज ये जो सारे ऑपरेशन है ना वो अपन कंसिडर करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बिट्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे जो ये 15 और 29 है ना, इनके बिट्स रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब इनका जो वन बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी बिट रिप्रेजेंटेशन फॉर 15 एंड 29 मैंने यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब एक एक करके अपन समझते हैं कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो भैया आते हैं सबसे पहले तो बिटवाइज एंड पे, बिटवाइज एंड, लॉजिकल एंड अपन ने देखा था, लॉजिकल एंड में क्या था, दो एंड लगे हुए थे, यहाँ पे अपने को एक ही एंड लगाना है, बिटवाइज एंड बन जाता है फिर वो, ठीक है। तो क्या किया, ए फिर बिटवाइज एंड और बी, मतलब ए और बी के बीच में मैंने बिटवाइज एंड जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये होगा कैसे, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? तो बड़ा आसान सा मामला है, अपने को क्या करना है, एंड एंड का बिहेवियर कैसा होता है वो अपने को यहाँ पे लागू करना है, मतलब जब दोनों वन होंगे तब जाके रिजल्टेंट में वन होगा। अगर दोनों में से अगर एक भी वन ना हो या दोनों ही वन ना हो तो इन दो सिचुएशंस में आपको यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। तो आप जैसे देख सकते हो ये जो भैया ये जो 4 बिट है, आप ये 4 बिट देख लो, इसका रिजल्टेंट क्या है, सभी जीरो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 0 0 रिजल्टेंट 0, 0 0 रिजल्टेंट 0, 0 0 रिजल्टेंट 0, 0 1 भी रिजल्टेंट 0। अब यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ पे 1 1 होगा और यहाँ 1 होगा, जब यहाँ पे 1 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, बाकी 1 0 का भी 0 ही है और 1 1 का भी 1 ही है। तो ये मेरा रिजल्टेंट निकल के आता है 13, बराबर है। तो इस तरीके से आपका जो बिट वाइज ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, ये अलग है एज कम्पेयर टू द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, डंडा लगा देते हैं। लॉजिकल एंड में 2 डंडे लगाए थे, यहाँ पे एक ही डंडा लगाना है, बराबर है। और इसे अपन कहते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर, ए बिट वाइज और बी, अपने को ये परफॉर्म करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी अपने को और का ट्रूथ टेबल फॉलो करना है, मतलब क्या कि यहाँ जीरो तभी आएगा जब यहाँ आपके इनपुट में दोनों जीरो होंगे, तभी जाके आउटपुट में जीरो आएगा, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता जीरो आने का। तो आप देख सकते हो 0 0 0 0 0 0, तो 3 0 अपने को यहाँ पे देखने को मिल गए, बाकी सबके सब यहाँ पे 1 है। वाई? बिकॉज यहाँ कंडीशन क्या है कि दोनों ही अगर 1 हुए तो भी चलता है, दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो भी चलता है, तो आपका आउटपुट जो है 1 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट 31 निकल के आता है जब अपन बिटवाइज और जो है वो अप्लाई करते हैं ए और बी के ऊपर, ठीक है। अब ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना ये आंकड़े, ये एक्चुअल में आपको यहाँ पे जब मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को आपको आउटपुट में दिखने वाला है। सो जस्ट वी आर लर्निंग हियर एंड वेरीफाइंग इट बाय टेकिंग द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये क्या भैया, ये क्या है, व्हाट इज दिस साइन, ये किस लिए अपन कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली एक्सऑर, ये क्या कर रहे हैं अपन, एक्सऑर बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेटर अपन ने लगाया ए और बी के बीच में। अब एक्सऑर क्या होता है भैया, 0 0 हुआ या फिर 1 1 हुआ, आउटपुट आपका 0 होगा, बराबर है। मतलब यहाँ पे अपने को बिट्स अलग चाहिए, एक तो 0 1 या फिर 1 0, तब जाके आपका आउटपुट 1 दिखने वाला है। और कौन सी केसेस है जिसमें आउटपुट 0 दिखेगा, बड़ा सिंपल सा मामला है, जब आपके दोनों सिमिलर होंगे, दोनों इनपुट सिमिलर होंगे, मतलब 0 0 या 1 1, तब आपका आउटपुट आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो यार, जहां जहां पे भी मुझे सिमिलर इनपुट दिख रहे हैं, यानी 0 0 दिख रहा है वहां 0 0 है, 0 0 दिख रहा है वहां पे 0 0 है, और जहां पे भी मुझे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 0, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में 1 दिख रहा है, 0 1 तो मुझे आउटपुट में 1 दिख रहा है, बाकी सब जगह पे 0 है। तो इसका जो आउटपुट निकल के आता है कितना आता है, ये 2 और ये 16, 16 प्लस 2 18, तो 18 यहाँ पे मेरा आउटपुट निकल के आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैंने क्या किया है, तो ये भैया बड़ा आसान सा मामला है, वंस कॉम्प्लीमेंट अपन यहाँ पे करते हैं, ओके। यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में अगर अपने को वंस कॉम्प्लीमेंट करना होगा तो अपने को खाली ये साइन सिंबल मार्क जो भी कहना है कह लो, ये अपन लगाते हैं उस रिस्पेक्टिव जो भी जिसको भी अपने को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल के नाम पे आगे लगा देते हैं अपन। और यहाँ पे मेरा क्या था भैया, 15 था, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अपन फाइंड आउट करते हैं। तो भैया कुछ इस तरीके से आता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बड़ा सिंपल सा मामला है, अपन बिट्स को खाली फ्लिप करते हैं, 0 होगा तो 1 कर देते हैं, मतलब अगर ओरिजिनल में 1 है
तो अपन ने यहाँ पे जीरो कर दिया। आप देख सकते हो ओरिजिनल में 15 जो है वो क्या होता है, पहली चार बिट आपकी वन होती है, तो उसको मैंने फ्लिप कर दिया, वन का जीरो कर दिया, तो ये सब जीरो हो गए। उसके बाद की सारी बिट जीरो है, तो यहाँ पे मैंने वन कर दिया। तो इस तरीके से जो भैया यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट काफी आसान होता है, इट्स जस्ट अ फ्लिपिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम जीरो टू वन एंड वन टू जीरो इन दिस रिस्पेक्टिव वे। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया भैया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। आगे बात करते हैं ये क्या है, ये क्या है भैया, ये बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स है। लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो इसका इस्तेमाल करो, राइट में शिफ्ट करना है तो इसका इस्तेमाल करो। और फिर यहाँ मेंशन भी करो भाई साहब कि भैया कितने बिट से शिफ्ट करना है, मतलब आप क्या करते हो, पहले तो भैया किस पे ये बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करना है वो वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखो। उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट करना, राइट शिफ्ट करना, उसके लिए ये ऑपरेटर यहाँ मेंशन करो। उसके बाद कितने बिट से इसे शिफ्ट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे आंकड़ा मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई ए वेरिएबल जो है ना, ये जो 15 है मेरा, इस 15 को मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बिट से, तो मैंने वो कर दिया। जैसे आप देख सकते हो 15 है, तो क्या होगा, ये 1 बिट यहाँ चलाएगा एंड फॉलोड बाय दिस 1 बिट, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो आपके बिट्स हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, कितने बिट से, 2 बिट से, और जो रिजल्टेंट है वो आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप बेसिकली रिजल्टेंट से अपन ना बेहतर जान पा रहे हैं कि शिफ्ट कैसे परफॉर्म हो रहा है। फिर राइट शिफ्ट का मामला क्या है, सिंपल है, डायरेक्शन बदल दो, बाकी और कोई बड़ा मामला नहीं, डिफिकल्ट मामला नहीं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन बदल दिया। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मेरे 2 बिट्स बच गए वन वाले, बाकी सब जीरो हो गए। बिकॉज ये जो दो थे ना मेरे, ये वन वन जो शुरुआती के दो थे, ये मेरे कहाँ गए भैया, राइट शिफ्ट में गए, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, फिर मेरा 2 वन बच गए। तो राइट शिफ्ट अगर आप लगाते हो तो रिजल्टेंट आपके सामने है, रिजल्टेंट भैया 3 निकल के आता है। अब ये जितने भी आंसर अपन ने यहाँ पे निकाले हैं ना, लेट्स चेक देम, लेट्स वेरीफाई देम कि भैया वो आंसर वैसे ही आ रहे हैं क्या। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, यहाँ पे जीसीसी स्पेस 1.c मैंने किया, अब ये अपना कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। तो भैया आप देख सकते हो यहाँ पे क्या वैल्यूज मेरे को दिख रही है, यू कैन सी वैल्यू ऑफ सी इज 13, पहला 13 आ गया, फिर उसके बाद 31 सही चल रहे हैं, 18 आ गया सही चल रहा है, -16 वंस कॉम्प्लीमेंट सही आ गया, 60 आ गया एकदम सही, और 3 जो लास्ट वाला एकदम सही आ गया है। तो इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो आपके काम करते हैं।